देखो यार, दुनिया में आज के टाइम पर किसी के लिए कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना, तो वो है यार पैसा। तभी तो कहने वो कहावत है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अब नेटफ्लिक्स पर अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी एक मूवी आई है जिसका नाम है चोक्ड। सबसे पहली बात तो ये जान लेते कि इस चोक्ड का मीनिंग क्या होता है। उसका मीनिंग होता है यार किसी चीज़ का अटकना या किसी चीज़ का फंसना। जहाँ पर डायरेक्टर ने पूरी मूवी के दौरान अपनी बात रखने की कोशिश करी है पैसों को लेकर के जनता के सामने, जिसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप पॉलिटिक्स से भी जोड़ सकते हो, जो आपको मूवी को देख करके समझ में आ जाएगा। जहाँ पर आप सभी ने ट्रेलर में देखा होगा कि मूवी के अंदर किसी सिंक के होल से कुछ पैसों की गड्डियाँ निकलती है। अब उसको लेकर के क्या राज छुपाए, ये चीज़ जानने के बाद आप मूवी के दौरान आपको ये थोड़ी बात अटपटी सी लगेगी, क्योंकि उस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़े दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पर दोस्तों, ये मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो, उसे लेकर के मूवी की स्टोरी क्या है और मूवी में क्या क्या राज छुपे हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। लेकिन आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, नमस्ते, मेरा नाम है शिवा। आप सभी ने सोच के है मेरा डशन चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके साथ उस बेल आइकन की घंटी को दबाते हुए जरूर जाना। और वहीं पर अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को यार लाइक, शेयर और कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, क्योंकि सब कुछ मुफ्त होता है यार, कर लिया करो, क्या जाता है। वहीं दोस्तों, फटाफट से बढ़ाते हैं वीडियो को आगे और करते हैं इस मूवी को लेकर के डिस्कस। अगर बात करें मूवी की स्टोरी की, देखो दोस्तों यार, मूवी की शुरुआत होती है सरिता से, जिसका रोल प्ले किया है सयामी खैर जी ने, जिन्हें आप मनमर्जी जैसे मूवीज़ के लिए जानते हो। जहाँ पर जो सरिता है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और एक बैंक के अंदर कैशियर की जॉब करती है, जहाँ पर उनकी सैलरी भी ठीक ठाक है, जिससे घर का खर्च ठीक ठाक चल जाता है। जहाँ पर सब्जी खरीदने से लेकर के बच्चे की 10 रुपये वाली चॉकलेट होती है, उन सभी चीज़ों का हिसाब रखा जाता है। जहाँ पर जो उनका पति है जिसका नाम है सिद्धांत, वो घर में कुछ काम नहीं करता, क्योंकि उसने पहले एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन शुरू करा था जिसमें वो बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाता है। उसके बाद उसका मन टूट जाता है और फिर उसको जॉब नहीं मिल पाती, तो वो घर में ही बैठा रहता है और टाइम पर बात करता है। जहाँ पर आपको आजू बाजू के लोग भी देखने को मिलते हैं मूवी के अंदर, जैसे कि जो एक आम आदमी की फैमिली नहीं होती, जैसे एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रहते हैं सब लोग, तो जहाँ पर कैसे आजू बाजू के लोग रहते हैं, जैसे कि उनकी एक ताई है, आसपास के और भी नेबर्स हैं, वो सब आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जहाँ पर क्या होता है कि एक रात सरिता की किस्मत चमकती है, जहाँ पर उसके किचन के अंदर एक सिंक होता है, उसके होल में से कुछ पैसों की गड्डियाँ निकलना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर भाई वो तो बहुत खुश हो जाती है। उसको लगता है कि भाई मेरी तो वाइफ सेट हो गई है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब करने की तो क्या ज़रूरत नहीं है, मतलब पैसा आ जाएगा तो सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी ना, ये तो सोचता है एक आम आदमी। तो वैसा ही कुछ मूवी में देखने को मिलता है। जहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आपको ये देखने को मिलता है कि जो मोदी जी हैं वो डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं 1000 और 500 के नोटों का, मतलब ये दोनों नोट नहीं चलेंगे, ऐसा अनाउंस हो जाता है, जिसे देखकर सरिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब उसे लगता है कि यार अब उसके जो भी पैसे हैं वो सब बर्बाद हो जाएंगे, वो किस तरीके से उसको चेंज करेगी बैंक में जाकर के, क्योंकि वो एक कैशियर होती है तो बैंक में आराम से चेंज कर सकती है ना। और वहीं पर दूसरी ओर उसके घर में ना बहुत ज़्यादा अनबन चल रही होती है पैसों को लेकर के, उसका पति बहुत परेशान होता है, उससे बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है, तो वो किस तरीके से उन पैसों को चेंज करती है बैंक से और कहाँ पर उसके घर में जो अनबन चल रही होती है वो किस तरीके से ठीक होती है, किस तरीके से सब कुछ चीज़ें संभलती है, वो सब चीज़ें आपको मूवी के अंदर देखने को मिलती है, जो आपको अपने आम आदमी वाले फैमिली से रिलेट कर पाओगे आप। जहाँ पर तो ये सब देखना चाहते हो तो आप मूवी को एक बार, जहाँ दो लोगों के बीच में होने वाले मनमुटाव से लेकर के पड़ोस की जुगलखोर आंटियाँ, सबको लेकर के मूवी में डिस्कस किया गया है। जहाँ पर किस तरीके से एक आम आदमी की फैमिली नहीं होती, मतलब छोटी छोटी खुशियाँ बनाती है, किस तरीके से दुख बनाती है, वो सब चीज़ें मूवी के अंदर डिस्कस करी गई और बताई गई हैं, दिखाई गई हैं, मान के चलो ये चीज़। और वहीं पर दूसरी ओर देखा जाए तो मूवी के अंदर कोई बात जो आपका ध्यान डाइवर्ट करती है ना, तो वो है यार पॉलिटिक्स। जहाँ पर किस तरीके से डिमोनेटाइजेशन होने के बाद में लोगों ने अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में ट्रांसफर करा, वो चीज़ आपको मूवी में देखने को मिलती है। और वहीं पर कहीं ना कहीं हर जगह पर एक पॉइंट रखा गया है जहां पर सरकार को ताना मारा गया हर तरीके से यार, जहां पर आपको मूवी के बहुत से डायलॉग देखने को मिल जाएंगे जहां पर आपको लगेगा यार ये सरकार को ताना मारने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक चीज डिस्कस करी गई है जो डिमोनेटाइजेशन के बाद में हुई थी और किस तरीके से गरीबों को कुछ नुकसान हुआ और किस तरीके से उन लोगों को फायदा भी हुआ, लोगों को मतलब गरीबों को क्या लोगों को फायदा हुआ नुकसान हुआ, वो सब चीज़ें मूवी के अंदर दिखाई गई है। अब देखो दोस्तों, मुझे तो ये चीज़ें समझ में आई मूवी को देख करके, अब आपको क्या समझ में आया वो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताओ। टीवी रेटिंग्स की बात करें तो दोस्तों यार इसकी रेटिंग उस पर अभी तक नहीं आई है, लेकिन मैं अपनी तरह से इसको रेटिंग देना चाहूँगा 3 out of 5, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यार इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं है, स्टोरी इंटरेस्टिंग है, बट डायरेक्टर ने इसकी स्टोरी को ना कुछ ज़्यादा ही घुमावदार बना दिया, जो लोगों को समझने के लिए थोड़ी तकलीफ में होगी। जहाँ पर अगर बात करें तो दोस्तों देखो, डायरेक्टर ने ना कहीं पर अपने मन की भड़ास निकालने की कोशिश करी है सरकार के ऊपर, ऐसा मूवी को देख करके लगता है अगर आप मूवी देखोगे तो।
वहीं पर दोस्तों आपको ये मूवी अवेलेबल कहाँ पे हो जाएगी? मूवी अवेलेबल हो जाएगी यार आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में विद सबटाइटल्स, तो देख सकते हो। फैमिली मूवी है सो एंजॉय करो, मज़े करो। वहीं पर आपको क्या लगता है इस मूवी को देखने के बाद में मुझे प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपके ओपिनियंस पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। फिलहाल मैं लेता हूँ आप सभी से अलविदा, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।